अब महाराष्ट्र पे भी लौटूंगा आनंद दुबे कृष्णा हेगड़े, पहले जरा मैं फराज किदवई से रिएक्शन ले लूं। फराज भाई, यूपी का जो एग्जिट पोल आया उसमें तो एक एक सर्वे कह रहा है 7-9 में से बीजेपी को जा रही है, एक कह रहा है 6 जा रही है, वन साइडेड हो रहा है ये तो। आपने तो इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। मानक जी, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? जी हाँ, देखी है, देखी है। बस उसको उसको जरा जहन में रखिएगा, फिर मैं आगे करूंगा। हाँ। देखिए मानक जी, अभी आपने ही अपने स्टेटमेंट में बोला कि पहले 9, फिर दूसरे एग्जिट पोल में 6, फिर 5। हमको लगता अगर चौथा बोलते तो आप बोलते 2 और वही सही होता, क्योंकि जिस तरह से हम लोग चुनाव लड़े हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है, मार्क माय वर्ड्स, मेरा एग्जिट पोल नोट कर लिए, 7 हम जीतेंगे, 2 ये जीत सकते हैं। अब मानक जी आ जाते हैं एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल की जो मेथडोलॉजी है, हम रिसर्च के स्टूडेंट रहे हैं, मैंने कुछ रिसर्च कंपनीज के साथ काम भी किया, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। मानक जी, हमारे उत्तर प्रदेश में जब शादी होती है तो उससे पहले एक रस्म होती है, उसको कहा जाता है मंगनी। पंजाब साइड में शायद उसको रोका कहा जाता है। तो आज एक बहुत अच्छे शायर हैं उस्मान मिनाई साहब, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो एग्जिट पोल को लेकर के उन्होंने एक शेर कह दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा खुश नहीं होना, इसे भी याद रखना, ये एग्जिट पोल मंगनी है, शादी नहीं है। तो मुझे याद आ गया 3 इडियट्स का वो सीन, जहां पर करीना कपूर मंडप में बैठी हुई थी, उनकी जिनसे शादी हो रही थी वो प्रेस कर रहे थे, और मंडप से फुनसुक वांगड़ू जो है वो दुल्हन लेकर के भाग गए। तो होगा क्या कि ये जो रिजल्ट्स के दिन ये दुल्हन इंडिया के साथ ही आएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसमें कहीं कुछ ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। सिद्धार्थ